सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ पंकज फर्मिस दुनिया में। तो स्टूडेंट, आज अपन बात करेंगे फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में, यानी कि संघ सिलेंट्रेटा, या जिसे अपन क्या बोलते हैं, निडेरिया बोलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, निडेरिया जो है इसके अध्ययन को अपन क्या बोलते हैं, सिलेंट्रेटा के अध्ययन को अपन क्या बोलेंगे, निडोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, निडोलॉजी। इसकी जो स्थापना, यानी कि जो सिलेंट्रेटा है उसके सदस्य को सबसे पहले जो अपन ने बोल सकते इसकी खोज की थी, वो कौन थे आपके, ल्यूकार्ट। ल्यूकार्ट ने इसको क्या नाम दिया था, सिलेंट्रेटा नाम दिया था। और इसके अलावा जो निडेरिया नाम है वो किसने दिया था, हैश्चेक ने दिया था। ठीक है स्टूडेंट, इसकी लगभग 9000 जातियां जो है वो सिलेंट्रेटा की अभी तक आपकी ज्ञात है। अगर अपन बात करें इसके सामान्य लक्षण की, जो आपके सिलेंट्रेटा होते हैं उनके सामान्य लक्षण क्या क्या होते हैं, तो देखिए सबसे पहला लक्षण क्या था, बेसिकली अगर अपन बात करें इनके आवास की, तो आवास कैसा होता है, याद रखना स्टूडेंट, जितने भी सिलेंट्रेटा होते हैं सारे के सारे कैसे होते हैं, जलीय होते हैं। पहली चीज कैसे होते हैं स्टूडेंट, जलीय होते हैं। लेकिन जलीय में भी कौन से, इसमें से अधिकांशतः तो क्या होते हैं, लवणीय होते हैं। जैसे पोरीफेरा में था वैसे इसमें है, अधिकांश तो क्या है, लवणीय है। मतलब ज़्यादातर तो क्या होंगे आपको यहाँ पे, लवणीय जल में देखने को मिलेंगे, समुद्री जल में देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके अलावा कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो अलवणीय में होते हैं। अलवणीय जल में पाए जाने वाले जो सदस्य हैं उनका एग्जाम्पल है आपका हाइड्रा। क्या होता है स्टूडेंट, हाइड्रा। तो हाइड्रा जो है, हाइड्रा जो होता है वो किस में पाया जाता है, अलवणीय जल में पाया जाता है, स्वच्छ जल में पाया जाता है। अब दूसरी बात करते हैं, तो स्टूडेंट इनका शरीर जो होता है उसके अंदर कौन से संगठन का स्तर देखने को मिलता है। मतलब स्टूडेंट आपके जो सिलेंट्रेटा होते हैं उनमें कौन सा संगठन का स्तर देखने को मिलता है, इनमें उत्तक स्तर का संगठन देखने को मिलता है। यानी कि इसके अंदर जो कोशिकाएँ होती हैं वो आपस में मिलकर किसका निर्माण कर देती हैं, उत्तकों का निर्माण कर देती है। किसका निर्माण कर देगी स्टूडेंट, उत्तकों का निर्माण कर देती है। इसके बाद यदि अपन इनमें पाचन की बात करें, तो देखिए स्टूडेंट इनमें पाचन जो होता है वो कैसा होता है, अंतःकोशिकीय पाचन भी होता है और इनमें बाह्य कोशिकीय पाचन भी होता है। लेकिन यहां पर यदि बात करें तो इनमें जो आहार नाल होती है, क्या होती है स्टूडेंट, आहार नाल, तो इनमें आहार नाल जो होगी वो एक तरीके से क्या मिलती है, अपूर्ण मिलती है, क्योंकि इसमें पाचन जो है वो अंतःकोशिकीय और अंतराकोशिकीय पाचन देखने को मिलता है। मतलब कोशिकाओं के अंदर भी पाया जाएगा, कोशिकाओं के बाहर भी क्या होता है, पाचन देखने को मिलता है। इसके अलावा इनमें क्या होता है स्टूडेंट, परिसंचरण पूर्ण रूप से क्या होता है, अनुपस्थित होता है। इसके बाद यदि बात की जाए सम्मिति की, तो देखिए स्टूडेंट सम्मिति जो होती है सिलेंट्रेटा के सदस्यों में, आपको पता भी है, मैंने आपको पहले भी बताया है, जो सिलेंट्रेटा के जो सदस्य होते हैं उनमें सम्मिति कैसी पाई जाती है, अरिय सम्मिति पाई जाती है। यानी अगर अपन लोग उनको क्या कर रहे हैं, उनको अगर अपन लोग सेंट्रल एक्सिस से, उसके केंद्रीय अक्ष से अगर अपन लोग किसी भी तल से काटते हैं तो वो बराबर भागों में विभाजित हो जाते हैं। इसको अपन लोग क्या बोल रहे हैं, अरिय सम्मिति बोल रहे हैं। तो ऐसी सम्मिति किसमें मिलेगी आपको, सिलेंट्रेटा के सदस्य में मिलती है। तो स्टूडेंट ये कैसे होते हैं, द्विकोर के होते हैं, इसका मतलब है एक्टोडर्म और एंडोडर्म जो दो प्रकार के जनन स्तर है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे, इनसे इनका शरीर बनता है। और इनमें जो युग्मक बनते हैं वो भी किससे बनते हैं, आपके एक्टोडर्म और एंडोडर्म से ही बनते हैं। अगर बात की जाए इनमें सिलोम की, तो देखें स्टूडेंट सिलोम इसमें अनुपस्थित होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या पाई जाती है, जठर संवहनी गुहा पाई जाती है। अब बात करते हैं स्टूडेंट कि जठर संवहनी गुहा होती क्या है, इसमें क्या होता है, जो आपके सिलेंट्रेटा के जो सदस्य होते हैं, क्या होते हैं स्टूडेंट, सिलेंट्रेटा के जो सदस्य होते हैं उनके शरीर में क्या होती है, आपको एक गुहानुमा संरचना आपको दिखाई देती है, जो किसमें खुलेगी, आपका जो ऊपर की तरफ क्या होता है, जो ऊपर की तरफ एक मुख में खुलती है। तो यानी यहां पर एक क्या होगी, गुहा रूपी संरचना होगी, क्या होगी, गुहा रूपी संरचना होगी, जिसका एक सिरा क्या रहता है, जिसका एक सिरा आपका बंद रहता है, एक सिरा क्या रहेगा, आपका बंद रहेगा, और एक सिरे पर क्या पाया जाता है, मुख पाया जाता है। और यही मुख किसकी तरह कार्य करता है, यही मुख आपका भोजन को लेने और उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने के रूप में कार्य करता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, जठर संवहनी गुहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, जठर संवहनी गुहा। तो यहाँ पर जो आपके सिलेंट्रेटा के सदस्य होते हैं इनमें, इनके शरीर में एक गुहा पाई जाती है, जिसका एक सिरा तो क्या होता है, एक सिरा तो आपका बंद रहेगा, ये नलिका रूपी संरचना होती है, एक सिरा तो क्या रहता है, बंद रहता है, और दूसरा सिरा किसके रूप में खुलता है, मुख के रूप में, या इसे अपन क्या बोलते हैं, हाइपोस्टोम। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, हाइपोस्टोम के रूप में खुलता है। इसी के द्वारा उसके शरीर में क्या किया जाएगा, भोज्य पदार्थ को ग्रहण किया जाएगा और उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। इसके बाद यदि बात करें तो इनमें खंडी भवन क्या होता है, अनुपस्थित होता है। अब कुछ विशेष लक्षण है स्टूडेंट जो आपके सिलेंट्रेटा के अंदर ही देखने को मिलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट विशेष लक्षण में अगर बात करें तो सिलेंट्रेटा के सदस्यों में क्या पाई जाती है, निडोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लो आपके जो सिलेंट्रेटा के जो सदस्य होते हैं उनके सदस्यों में जहां पर मुख पाया जाता है, क्या
होता है स्टूडेंट, जहां पर इनका मुख पाया जाता है उसके मुख के चारों तरफ क्या देखने को मिलते हैं आपको, कुछ रोम के समान संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें क्या कहा जाता है, स्पर्शक। क्या कहा जाता है स्टूडेंट, स्पर्शक। तो यहां पर आप लोग इस डायग्राम में देख पा रहे हो ये आपको रोम के समान संरचना मिल रही है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, स्पर्शक बोलते हैं। इन स्पर्शक का कार्य क्या होता है स्टूडेंट, ये स्पर्शक क्या करते हैं, किसी भी जो आपका क्या है, जो आपके कोई भी आपका जो जीव है जो पानी के अंदर रह रहा है, जो इनसे छोटा है, उनको पकड़ने में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्या करते हैं, ये जो आपके स्पर्शक होते हैं वो सिलेंट्रेटा को उनके शिकार को पकड़ने में क्या कर देते हैं, मदद करते हैं। तो स्पर्शक के द्वारा जो आपके सिलेंट्रेटा होते हैं वो शिकार को पकड़ने का कार्य करते हैं, साथ ही साथ इन स्पर्शक से जो रसायन निकलते हैं वो उससे क्या करते हैं, जो आपके शिकार है उसको वो पैरालाइज कर देते हैं, यानी कि उसको वो क्या कर देंगे, वहाँ पर उस जीव को वहाँ पर पैरालाइज करके इनको भोजन के रूप में खा लेते हैं, अपन बोल सकते हैं भोजन के रूप में कार्य काम में लेते हैं। तो स्टूडेंट स्पर्शक का कार्य क्या होता है, स्पर्शक जो होते हैं वो प्रे को यानी कि आपके शिकार को पकड़ने के लिए साथ ही साथ उसको भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करने के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, अपन बोल सकते हैं सहायता करते हैं। अब ये ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि इन स्पर्शक पर विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें अपन निमेटोसाइट दंश कोशिका या नीडोब्लास्ट कोशिका कहते हैं। तो सीधी सी बात है, नीडोब्लास्ट कोशिका क्या करती है, सुरक्षा भी करती है और साथ ही साथ भोजन को पकड़ने में क्या करती है, सहायता करती है। सुरक्षा किस प्रकार करेगी, ये एक केमिकल यानी कि एक रसायन का श्रावण करती है जिसके द्वारा जो व्यक्ति है वो क्या हो जाएगा, आपका जो भी आपका उनका शिकार है वो क्या हो जाता है, आपका पैरालाइज हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार वो क्या करती है, अपने खुद की सुरक्षा, स्वयं की सुरक्षा किससे करती है, आपके जो भी इनके क्या होते हैं प्रीडेटर्स होते हैं, मतलब जो शिकारी होते हैं उनसे तो अपनी रक्षा करती है, साथ में ये क्या करती है, नीडोब्लास्ट कोशिकाओं की सहायता से भोजन को पकड़ने में भी क्या करती है, सहायता करती है। तो अगर अपन बात करें यहाँ पर दूसरी, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो श्वसन और उत्सर्जन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, विसरण के द्वारा। स्टूडेंट याद रखना, आपके जो सिलेंट्रेटा के जो सदस्य होते हैं उनमें कोई विशेष प्रकार का क्या नहीं पाया जाता, श्वसन के लिए कोई अंग नहीं पाए जाते, ना ही इनमें क्या होता है उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग पाए जाते हैं। इनमें क्या होता है, सामान्य शरीर द्वारा ही क्या होता है, विसरण प्रक्रिया के द्वारा क्या होगा, आपका सामान्य शरीर से जो आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या की जाती है, आदान प्रदान किया जाता है उसका, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या करते हैं, जो भी आपके अपशिष्ट पदार्थ है उनको शरीर से बाहर निकाला जाता है। अब बात आती है स्टूडेंट कंकाल की, तो देखिए स्टूडेंट इनका जो कंकाल है, कंकाल किसमें मिलता है, इनके कुछ सदस्य होते हैं जिन्हें अपन लोग क्या बोलते हैं, कोरल या प्रवाल, क्या बोलते हैं, कोरल या प्रवाल, उनकी भित्तियों में किसका श्रावण किया जाएगा उनसे, कैल्शियम कार्बोनेट का, मतलब इनके अंदर क्या पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। जो आपके ओशियंस होते हैं मतलब महासागर होते हैं उनके तल में क्या पाए जाते हैं, आपके कोरल की कई सारी मतलब कोरल जो होती है, प्रवाल भित्तियाँ होती हैं वो देखने को मिलती है, यानी वहाँ पर क्या देखने को मिलती है, कोरल की कुछ संरचनाएँ देखने को मिली, जिसे अपन क्या बोलते हैं, कोरल रीफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोरल रीफ। कोरल रीफ में ही सबसे ज़्यादा क्या देखने मिलती है आपको, जैव विविधता देखने को मिलती है, क्या मिलती है स्टूडेंट, जैव विविधता देखने को मिलती है। तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता जो पानी में है वो किस में देखने मिलेगी आपको, कोरल रीफ में देखने को मिलेगी, जो क्या होती है, सिलेंट्रेटा का ही सदस्य है। इनकी संवेदी संरचना कैसी होती है, तो देखिए स्टूडेंट इनमें संवेदी संरचनाओं के रूप में स्टेटोसिस्ट और क्या पाए जाते हैं, ओसिली पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इनके जीवन चक्र की, क्या बात करते हैं जीवन चक्र की। देखिए स्टूडेंट सबसे पहली चीज़, आपके जो सिलेंट्रेटा होते हैं उसमें क्या पाई जाती है, इसके अंदर द्विरूपता पाई जाती है, क्या पाई जाती है स्टूडेंट, द्विरूपता पाई जाती है, मतलब इसके पूरे जीवन चक्र में आपको दो अवस्थाएं देखने को मिलेगी। कौन कौन सी मिलती है स्टूडेंट, इनके कुछ सदस्य जो होते हैं उनमें तो क्या पाई जाती है, मेडूसा अवस्था, क्या पाई जाती है स्टूडेंट, मेडूसा अवस्था, और इनके कुछ सदस्यों में क्या पाई जाती है, पॉलिप अवस्था। अब बात करते हैं कि मेडूसा अवस्था कैसी होती है, पॉलिप अवस्था कैसी होती है। देखिए स्टूडेंट मेडूसा अवस्था जो होती है वो कैसी होती है स्टूडेंट, कार होती है, यानी कि अम्ब्रेला के जैसी आपकी क्या होती है, इसकी संरचना होती है। इसके अलावा यदि बात की जाए तो ये क्या होती है, मुक्त प्लावी होती है। मुक्त प्लावी क्यों होती है, क्योंकि उनकी नीचे की तरफ क्या मिलेंगे आपको, स्पर्शक देखने को मिलते हैं, क्या पाए जाते हैं स्टूडेंट, इनके नीचे की तरफ आपको मुख के चारों तरफ क्या मिलते हैं, स्पर्शक मिलते हैं, जो किसमें हेल्प करते हैं, सुरक्षा के साथ साथ गमन में भी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो स्पर्शक होते हैं वो सुरक्षा के साथ साथ क्या करते हैं, गमन में भी सहायता करते हैं। तो जो आपकी मेडूसा अवस्था होती है वो तो कैसी होती है, मुक्त प्लावी, क्योंकि उनके स्पर्शक जो होते हैं वो क्या कर पाते हैं, स्पर्शक की सहायता से क्या कर पाते हैं, कर पाते हैं।
अगर अपन बात करें पॉलिप अवस्था की, किसकी बात करें स्टूडेंट, पॉलिप अवस्था की, तो पॉलिप अवस्था कैसी होती है, स्थावर या स्थानबद्ध। पॉलिप अवस्था कैसी होती है, एक बेलनाकार संरचना होती है। कैसी होती है स्टूडेंट, एक बेलनाकार संरचना होती है जो कैसी होती है, स्थावर। स्थावर मतलब एक ही जगह स्थिर रहेगी, कहीं पर आ जा नहीं सकती। ये कैसी होती है, स्थानबद्ध या स्थावर होती है। इसके मुख के ऊपर, इसका जो मुख होता है क्या होता है स्टूडेंट, इनका जो मुख होता है वो कौन सी सतह पर देखने को मिलेगा आपको, ऊपर की तरफ देखने को मिलता है। इनका जो मुख होता है वो कहां पर मिलता है आपको, ऊपरी सतह पर देखने को मिलता है। और इनके चारों तरफ क्या पाए जा रहे हैं, स्पर्शक पाए जाते हैं, जबकि इनका मुख क्या होता है, नीचे की तरफ देखने को मिलता है। और इनके चारों तरफ क्या मिलेंगे आपको, मुख के चारों तरफ स्पर्शक मिलेंगे। ये जो आपका स्टूडेंट, ये जो आपका मेडुसा अवस्था होती है वो किसमें पाई जाती है, ओरेलिया या जेलीफिश में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है स्टूडेंट, ओरेलिया या जेलीफिश, या अपन बोल सकते हैं बेसिकली किसमें, फाइसेलिया में भी आपको देखने को मिलता है। ये किसमें देखने को मिलता है आपको, फाइसेलिया में भी देखने को मिलता है। तो फाइसेलिया, ओरेलिया, ये जो आपके एग्जाम किसके हैं, मेडुसा के हैं। और आपके पॉलिप में कौन आते हैं, आपके हाइड्रा और एडमासिया। क्या है आपका, हाइड्रा और एडमासिया, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं स्टूडेंट, एक एग्जांपल आता है इसमें ओबेलिया। तो ओबेलिया क्या है, तो देखिए स्टूडेंट इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ओबेलिया। तो बात की अपन ने कि भाई इनके एक सदस्यों में तो मेडुसा पाया जा रहा है, एक सदस्य में क्या पाया जा रहा है, पॉलिप। लेकिन कुछ ऐसे भी सदस्य होते हैं, कुछ ऐसे भी सिलेंटेटा होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, पॉलिप और मेडुसा दोनों ही अवस्थाएं उनके जीवन चक्र में देखने को मिलती है। इसका एक एग्जाम्पल आपका ओबेलिया। क्या है आपका, ओबेलिया। तो देखिए स्टूडेंट ओबेलिया के अंदर क्या होता है, ओबेलिया के अंदर सबसे पहले क्या बनता है, पॉलिप। क्या बनता है, पॉलिप। अब ये पॉलिप जो होगा वो क्या करेगा, वो आपका करेगा अलैंगिक जनन। क्या करेगा स्टूडेंट, अलैंगिक जनन। तो पॉलिप जब अलैंगिक जनन करता है तो उससे क्या बनता है, मेडुसा बनता है। और जब ये मेडुसा क्या करता है, लैंगिक जनन करता है। क्या करता है स्टूडेंट, लैंगिक जनन करता है, तब क्या बनता है आपका, पॉलिप बन जाता है। तो पहले पॉलिप से क्या बन जाते हैं, मेडुसा, और फिर मेडुसा से वापस क्या बन जाते हैं, पॉलिप बन जाते हैं। इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, पीढ़ी एकांतरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पीढ़ी एकांतरण, या इसका एक स्टैंडर्ड वर्ड है जिससे अपन लोग क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस। क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस। तो ये आपको ओबेलिया में देखने को मिलता है। क्या, मेटाजेनेसिस, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सारी चीजें जो है वो आपका क्या है, ओबेलिया के लिए है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पर जो जनन है वो कौन कौन सा देखने को मिलता है। तो देखिए स्टूडेंट, सिलेंटेटा के अंदर जो जनन होता है वो आपको लैंगिक भी मिलेगा, अलैंगिक भी मिलेगा। अलैंगिक जनन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा। किसके द्वारा होता है स्टूडेंट, मुकुलन के द्वारा। और ये चीज़ आपने 8th क्लास में भी पढ़ी होगी, हाइड्रा के अंदर मुकुलन। कैसे, हाइड्रा के अंदर मुकुलन किस प्रकार होता है, एक क्या होगा, एक कलिका का निर्माण होगा उसके पेत्रक शरीर से। फिर वो कलिका क्या करती है, वृद्धि करती है। और वो कलिका वृद्धि करके अपने पेत्रक पादप से अलग होकर एक नया क्या कर देगी, जीव का निर्माण कर देगी। तो इसके अंदर क्या होता है, लैंगिक जनन भी होता है और अलैंगिक जनन भी होता है। स्टूडेंट देखिए, सिलेंट्रेटा के अंदर आपको कैसे जीव मिल सकते हैं, आपको एक लिंगी भी मिलते हैं और इसके साथ साथ कैसे मिलते हैं, द्विलिंगी भी मिलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सिलेंट्रेटा के जो उदाहरण है वो कौन कौन से होंगे, फाइसेलिया है, एडमासिया है, पेनेट्यूला है, गोर्गोनिया और मेंड्रेना। फाइसेलिया का जो नाम है आपका बेसिकली क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, पुर्तगाल का युद्धपोत भी बोलते हैं। एडमासिया को सी एनिमोन भी बोला जाता है। पेनेट्यूला को अपन बोलते हैं समुद्री पिच, गोर्गोनिया को अपन बोलते हैं समुद्री व्यंजन, और मेंड्रेना को बोलते हैं अपन ब्रेन कोरल। देखिए स्टूडेंट, ये जो नाम है आपकी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीट एग्जाम में कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब स्टूडेंट देखिए, इसको कैसे याद कर सकते हैं अपन, तो अपने पास ट्रिक है इसके लिए। तो इसको ट्रिक को कैसे याद करेंगे अपन, कई बार क्या होता है अपन लोग टीवी पे ऐड देखते हैं, तो कई ऐड क्या होते हैं, फालतू होते हैं। तो अपने घर वाले क्या होते हैं कि इन फालतू ऐड पे क्या नहीं देना चाहिए, अपन को ध्यान नहीं देना चाहिए, इस पे गौर नहीं करना चाहिए। यहीं से आपकी ट्रिक आती है। क्या है स्टूडेंट, सुनो सुनो, फालतू ऐड पे गौर मत करो। क्या है स्टूडेंट, ये ट्रिक क्या हो गई आपकी, सुनो फालतू एड पे गौर मत करो। क्या है स्टूडेंट, सुनो फालतू एड पे गौर मत करो। तो सुनो से क्या आ जाएंगे स्टूडेंट, सिलेंट्रेटा। क्या आ जाएगा, सिलेंट्रेटा। फालतू, तो फालतू क्या आ गया, फाइसेलिया। क्या आ गया स्टूडेंट, फाइसेलिया। एड, एड का क्या हो गया, एडमासिया। क्या हो गया, एडमासिया। पे, पे से आ गया क्या, पेनेट्यूला। क्या आ गया, पेनेट्यूला। गोर, तो गोर से क्या आ गया, गोरगोनिया।
क्या गया? गोरगोनिया। और मत, तो मत मत यानी कि मैंड्रीना, क्या आ जाएगा? मैंड्रीना। तो इस हिसाब से आप लोग क्या करते हो, इस तरीके से स्टूडेंट आप क्या कर सकते हो, इस ट्रिक से आप ये जो भी एग्जांपल है वो आप लोग याद कर सकते हो। एग्जांपल काफी